हमारे समाज में, हमारे समाज में आज प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम लोग, जब कोई अच्छा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर से अर्चना करते रहते हैं। आज हमारे समाज में लगातार अच्छा और नेक काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है समाज अगुवा जो है, जो अगुवाई कर रहे हैं, मैं उनको साथ साथ में अगुवा के पीछे चलने वाले सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज को नेतृत्व करो, साथ चलो या रास्ते से हट जाओ। मतलब अगर आपके पास में नेतृत्व क्षमता है तो आप नेतृत्व कीजिए, और अगर आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तो साथ कम से कम चलिए, तभी अपना समाज आगे बढ़ पाएगा। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो आप रास्ते से हट जाए, बहुत सारे रास्ते हैं वहां चले जाए। तो मैं कहना चाहूंगा आज हमारे समाज को दिशा और निर्देश देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत तीन बातों की पड़ती है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा और उस बातों को मैं रखना चाहता हूं कि आज हमारे नेतृत्व में या हमारे समाज में तीन चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला है आर्थिक की शुचिता, दूसरा है चरित्र की शुचिता, और तीसरा है 100% विनम्रता। अगर आप समाज की सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले, हमें जो धन दौलत और हमारे पास में जो चंदा चिट्ठा होता है, समाज के लिए 2-4 रुपये इकट्ठा होते हैं, हम लोग जमा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, उस धन को हमको जानना पड़ेगा कि क्योंकि धन लक्ष्मी जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा, उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धन तो तलवार की तरह होती है। आज हम लोग के पास में तमाम तरह के धन और दौलत होते हुए भी हम लोग उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि धन और दौलत को जिस प्रकार से आप उपयोग करेंगे उसी प्रकार के आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अगर आप काम करके धन इकट्ठा करके उसको सही और ग्रो होने में और लगातार विकास होने में खर्च करते हैं तो आपका जिंदगी विकास की ओर आगे बढ़ता ही जाएगा। पर बहुत हमारे पास, हमारे समाज में धन और दौलत, खेत खलिहान सब कुछ होते हुए भी हम लोग धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देखिए, हम लोग काम करने के बाद में ऐसे जगह खर्च करते हैं, ऐसे जगह यूज करते हैं जहाँ कि हम गरीब हो ऐसे जगह हम लोग खर्च करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे सारे समाज के लोगों को इस प्रकार के कट्टर होने की आवश्यकता है कि हम समाज की धन को, समाज की दौलत को हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हम खर्च नहीं करेंगे, हम अच्छे और समाज के भलाई के लिए ही खर्च करेंगे। ये हमारे आर्थिक शुचिता में ध्यान देने वाली बात है। अब रही चरित्र की शुचिता, चरित्र शुचिता मतलब आप समाज के अगुवा जा रहे हैं, समाज की अगुवाई कर रहे हैं, तो हमको अपने अपना चरित्र इतना पवित्र और इतना सुंदर रखना पड़ेगा और इतना अच्छा बनना पड़ेगा ताकि आपके चरित्र के ऊपर किसी ने कोई दाग नहीं कर पाए या सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने चरित्र को बिल्कुल पवित्र और नेक बना के रखें, तभी हम लोग एक दूसरे के विश्वास और आगे बढ़ सकते हैं मान सम्मान के साथ में। तीसरा मैं कहूंगा, ये दोनों होने के बाद में भी आपके पास अगुवाई करने जा रहे हैं, समाज का इस प्रकार से काम करने जा रहे हैं, बहुत सारे आलोचनाएं आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे उलझाने आएंगे, बहुत सारे जो समाज, जो हमारे समाज को नुकसान करने वाले, समाज के नाम लेने वाले केवल नाम करते हैं, बाकी नाम लेने की जगह पर नाम लेके उसके आड़ में बहुत सारे अनाप शनाप कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पर हम सारे को साथ लेके चलने के लिए हमको कम से कम 80% हमको विनम्र होके आगे बढ़ना पड़ेगा, सारे को साथ लेके, सारे को हिफाजत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि आज हम लोग लगातार एक दूसरे को
गिराने में, एक दूसरे में लड़ने में, एक दूसरे की आलोचना ढूंढने में, एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने में इसी में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा इस मंच से कि हम लोग को इस ओर ध्यान नहीं देना है, और इसको ध्यान नहीं देते हुए हम लोग को केवल समाज का काम करते हुए जाना चाहिए। अपने समाज की संस्कृति को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम करते रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे, और बहुत सारे बात है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त और अपने समय को ज्यादा ना लेते हुए सबको मैं जय धर्मेश करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।